खबर फिरोजाबाद से, जहां पर 17 कोरोना मरीजों के इजाफे के बाद सुबह भ्रमण पर निकले टीएम एसएसपी ने न्यूज वन इंडिया से की खास बातचीत। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी और एसएसपी सुबह सुबह निरीक्षण पर निकले हैं, हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया है। इस समय सुहागनगर खड़े हुए तमाम बैंकों का निरीक्षण किया है, अनावश्यक जो लोग आ रहे हैं उनको पूछताछ की जा रही है। तो इस समय न्यूज़ वन इंडिया के साथ मौजूद हैं सर, किस तरीके की प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाई गई है और क्या निर्देश और जारी किए हैं? क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही लॉकडाउन पर इंपोज कराने के लिए तत्पर, हम लोग लगातार फील्ड में हैं और सुबह से लेकर और बाकी टाइम भी हम लोग उसमें रहते हैं कि लोगों से अपील करके और जो लोग फालतू दिखाई देते हैं उनको मना करें कि अपने घर में रहें और जो है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और हमारे जो बढ़ते हुए केस हैं, जो अभी 96 हो चुके हैं, एक्टिव केस 87 हैं, ये जो केस हैं कल 17 बढ़े हैं, इसमें एक ही परिवार के लगभग 11 लोग हमारे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आदमी अभी 2 दिन पहले ही संक्रमित इसकी खबर मिली थी और इसके परिवार वालों को हमने पूरा ट्रेसिंग करके जितने भी इसके कॉन्टैक्ट थे उनको ट्रेस करके उनका टेस्ट कराया और उनको आइसोलेशन में भर्ती कर दिया है। 3 लोग और हैं, वो किसी और पॉजिटिव केस जो था हमारा उसके उसके फैमिली के थे, उसको हमने ट्रेस आउट करके उनका सैंपल लिया और 3 हमारे और केस थे वो हॉटस्पॉट एरिया के थे। तो इस प्रकार कल संख्या बढ़ी है, लेकिन कुछ लोग कल रिलीज भी हुए हैं। लगभग 5 लोग जो हैं कल हमारे केस जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं और ये संख्या हमारी लगातार बढ़ेगी। हमारे जो पूर्व में रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी, अब उनके 14 दिन पूरा हो रहे हैं तो उनके सही होने की रिपोर्ट भी लगातार आ रही है। सर, शासन की तरफ से लगातार जिन जिलों में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं एक नोडल अफसर भेजे गए हैं, तो किस तरीके की मीटिंगों में निर्देश दिए जा रहे हैं? हमारे यहाँ पर आदरणीय कमिश्नर साहब आईजी साहब को नोडल के रूप में रखा गया और वो लगातार हम लोगों का मार्गदर्शन दे रहे हैं हमें, और हेल्थ टीम के साथ में हमारे ट्रेसिंग टीम और जितना भी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन है उनको लगातार वो लोग निर्देश दे रहे हैं। कहीं पे जो चीज़ें देखने की ज़रूरत है उसी चीज़ फोकस करने की ज़रूरत है, तो लगातार और सर का सहयोग हमें मिल रहा है और हमारा लॉकडाउन भी पुलिस फोर्स और प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है कि लॉकडाउन का 100% पालन रहे, कोई भी लोग फालतू घूमता हुआ ना दिखाई दे दुकान पे या बैंक्स पे। अभी हम चेक भी कर रहे थे कि कुछ लोग अनावश्यक अपनी पासबुक में एंट्री कराने के लिए भी आ जा रहे थे, तो हमने उनको मना किया कि आप लोग अपने घर जाइए, बैंक पे नोटिस लगाइए। बैंक वालों को भी कहा है कि इस तरह की चीज़ें ना हो, और जो कुछ आदमी फिर भी होते हैं कि जो कुछ पर्टिकुलर गोली लेने के लिए एक या मेडिकल का पर्चा लेके उस तरह का बहाना लेके भी निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी समझाया जा रहा है और स्ट्रिक्टली भी एनफोर्स किया जा रहा है। जहाँ पर ज़रूरत है सख्ती की वो भी सख्ती की जा रही है और हम लोग पूरा उस चीज़ के लिए लगे हैं कि 100% लॉकडाउन का पालन। तो एसएसपी सर भी मौजूद हैं सर, किस तरीके की सतर्कता बढ़ाई गई है पुलिस की तरफ से, क्या निर्देश जनता को दिए जा रहे हैं और किस तरह आप जो है सुबह निकल के? एक तो सबसे पहले तो चूँकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और सभी लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, कहीं पे इकट्ठा ना हो, और जो हमारे ऐसे एरियाज हैं हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पे हम लोगों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट की संख्या भी और ज़्यादा बढ़ाई है ताकि लोग अपने स्वतः जो है अपने घरों में रहने की प्रवृत्ति डालें, क्योंकि ये बीमारी एक तरीके से जिस तरीके से फैले उसको रोकने का एक ही तरीका है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस लगातार इसमें भ्रमणशील है, जहाँ जहाँ पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़ोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, वहाँ पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि कंप्लीट लॉकडाउन का बिल्कुल 100% हम पालन। सर, अब तक उल्लंघन जो लॉकडाउन का हुआ उसमें कितने लोग कार्रवाई? देखिए संख्यात्मक आंकड़े अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन तभी भी हम लोग पर डे काफ़ी संख्या में मुकदमे दर्ज करते हैं, काफ़ी संख्या में उनके घरों पर जाकर FIR चिपकाते हैं और एक मैसेज देते हैं कि भाई जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल, ये थे जिलाधिकारी और SSP फिरोजाबाद जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा लगातार जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों के, वहीं सतर्कता भी बढ़ाई गई है, लगातार पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है। वहीं शासन की तरफ से जो नोडल अफसर आए हैं उन्होंने भी लगातार मीटिंग के दौर जारी रखे हैं और निर्देशित अधिकारियों को किया है कि वो जो है क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहे हैं और व्यवस्थाओं पर अपनी नज़र बनाए रखें। कैमरा पर्सन अर्चित शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ वन इंडिया, फिरोजाबाद।